संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी मल्टीपल सेल्फ को हम बना लेते हैं उससे दूर होना, और एक बात जो आपने कहा था कि अपने को दूसरे में देखना, क्या ये जब हम सोर्स की तरफ जाते हैं तभी पॉसिबल है? हाँ संदीप, बिल्कुल ठीक समझा है तुमने कि जितनी स्रोत से निकटता होगी उतनी ही ये समझ आएगी कि दूसरे भी तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारा ही एक्सटेंशन है। ये समझ तो बड़ी ही विकसित समझ है, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले कदम पर ही आ जाए इसकी उम्मीद हम नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि पहले इसको समझने की कोशिश करनी शुरू करें हम, इसीलिए मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअली ही समझने पहले चलने दें उसको, धीरे धीरे फिर वो टोटेलिटी में आएगी एक दिन। जितना हम ध्यानपूर्ण होंगे, जितना अपने अद्वैत स्वभाव में हम ठहरेंगे, उतना ही हमको दिखाई देगा कि दूसरा ही नहीं, ये पूरा जगत ही हमारा विस्तार है, हमारा एक्सटेंशन है। यही अवेकनिंग है और यही जागृति की यात्रा है। तो जल्दबाजी नहीं इस बात की, पहले तो इसको सिद्धांततः समझ लें, मान लें, और फिर अपने ऊपर काम करते रहें, अपने स्रोत की तरफ लौटने के सारे उपाय जो हमारे सामने आते हैं उनमें जाते रहें। और जब हम उस स्रोत के अनुभव में आएंगे तो एक दिन हम बिजली की कौंद की तरह देख पाएंगे कि दूसरा दूसरा नहीं है, हमारा ही विस्तार है, हमारा ही एक्सटेंशन है। तब हमारा करना भी करना नहीं है, वो बस एक सहज घटना है। इसीलिए अभी तो हम जो करते हैं वो करने जैसा लगता है, लेकिन जब दूसरा हमारा विस्तार हो जाता है तो सारी क्रियाएं हमारी बस ऐसे ही घटती हैं, जैसे सांसों का चलना, जैसे दिल का धड़कना, जैसे हाथों का उठना, जैसे पांवों का चलना। हम इसको क्रियाओं की तरह नहीं लेते। जब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हमको पता ही कहाँ चलता है कि हमने कुछ किया। तो जब दूसरे हमारे एक्सटेंशन की तरह दिखते हैं तो बस सब हमसे होता है, वो एक विकसित अवस्था है। लेकिन समझ के साथ जैसे जैसे आगे चलेंगे, हर पड़ाव पर उसके कुछ न कुछ खूबसूरत जो आयाम है वो हमारे जीवन में शामिल होते चले जाएंगे। तो कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ना है।